एनएचपीसी में स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। अच्छा, एक एक शेयर है जिसपे इनके साथ साथ बहुत सारे लोगों को जवाब मिलेंगे, यस बैंक वाला जी। क्या करना चाहिए यस बैंक में? इन्होंने शायद 26 में लिया है ना, 26 में लिया ना चंद्रकांत जी? जी 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 26 में यस बैंक लिया, अभी चल रहा 23.45 जी। नहीं, ये तो पूरे पूरे देश का सवाल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट इसमें मैं हमेशा यही बोलते रहता हूँ कि भाई देखिए, बहुत ज्यादा ये 25-26 के ऊपर टिक नहीं पाया है, और ये चल रहा है तकरीबन 2020 के बाद से, तो 4-1 साल हो गए हैं। 15 इसके 5 से लेके 25 तक की एक रेंज थी, बाद में 10 से 15 की हो गई, वो 10 से 25 की वो रेंज हो गई। तो आई थिंक गया था ब्रीफली 30-32 गया, लेकिन फिर वापस उसी रेंज के अंदर आ गया। तो थॉट यही है कि भाई 25 के लेवल पे ध्यान रखें, आइडली जैसे जैसे 25 के ऊपर वीकली मंथली क्लोजेस आते जाएंगे, आई थिंक ट्रेंड स्ट्रांग होता जाएगा। तो ट्रेड में बने रहे फिलहाल, क्योंकि अपनी लंबी अवधि के एवरेज के ऊपर चल रहा है, 22.5-22 के वो लेवल्स हैं। तो आई थिंक जब तक वो सपोर्ट मिल रहा है ट्रेड में बने रहना चाहिए, और ये ब्रेकआउट्स अगर 55 हो गए 25-26 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे, तो आई थिंक और टारगेट्स यहाँ ऊपर में आएंगे। इवेंचुअली वो 30-32 का हाई जो हमने लास्ट ईयर रखा था वो भी निकलेगा।